हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द देवगुण क्लासेस, द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्लासेस फॉर ऑल। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हों, कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए जो ये साइंस की सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का रेफरेंस है, सारे पॉइंट एनसीईआरटी के ही इंक्लूड किए गए हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखने वाला है। हम लोग जो हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 कर रहे थे, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसका आज हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है कंटेंट है, जिसमें हम मैटर एलिमेंट्स वगैरह मिक्सचर को पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ चुके हैं, सस्पेंशन कोलाइड्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना बाकी रह गया है। उसके बाद जो हमारे पास कुछ टॉपिक्स जो हैं लास्ट के बचे हुए हैं, जो ये मेथड्स ऑफ सेपरेशंस हैं, ये हम कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हम लोग। इससे पहले मैंने बताया आपको कि जो मैटर है, जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो स्पेस लेता है, जिसका मास होता है, वो मैटर होते हैं। मैटर जो है तो दो टाइप्स के हैं, ठीक है, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर में हमारे पास एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आते हैं, मिक्सचर में जो हमारा है मिक्स सॉल्यूशन आता है, जो फर्दर टू टाइप्स का होता है, जिसमें एक होमोजेनियस होता है और दूसरा हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में मिक्सचर तो होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का, बट यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो हमें पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं देते। वहीं पर जो हेट्रोजीनियस है, उसमें जो मिक्सचर होता है उसके पार्टिकल्स, जितने भी मिक्सचर हैं सभी के पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि सैंड और वाटर के मिक्सचर की हम बात करें तो। फिर हमने जो है कोलाइड्स पढ़ा है, सस्पेंशन पढ़ा है, इनका डिफरेंस पढ़ा है। जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। सस्पेंशन और जो कोलाइड्स हैं, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारा होता है सस्पेंशन का। कोलाइड्स में भी मिक्स हो जाता है, बट इसमें पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, और सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं, तो उसके पार्टिकल्स हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि क्या है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, कोलाइड और सस्पेंशन भी पढ़ लिया। अब सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स होते हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे आपका एक्वियस सॉल्यूशन। इसमें क्या है देखेंगे, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट। वाटर मतलब एक्वेशियस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें वाटर को सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे सॉल्वेंट क्या है, तो चलिए पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे आप देखेंगे कि थ्री कैटेगरीज हैं। ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, ये आपका जो है सॉल्यूशन के बारे में है, और जो ये सेकंड कैटेगरी है, ये जो है आपका कोलाइड्स के बारे में है, और ये थर्ड कैटेगरी है, ये सस्पेंशन के बारे में है। तो देखिए, दो चीज़ें दे रखी हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट वो है जिसको हमें घोलना है, और सॉल्वेंट वो है कि जिसमें हम घोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लेमन वाटर की बात करेंगे, सॉरी शुगर वाटर की बात करेंगे, तो शुगर जो है वो सॉल्यूट है, क्योंकि शुगर को हम वाटर में घोलेंगे, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया और शुगर सॉल्यूट हो गया। एक और चीज़ हम कह सकते हैं, जो लेसर अमाउंट में होता है, जो कम अमाउंट में होता है, वो सॉल्यूट होता है, और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें, फिर हमारा आता है कोलाइड्स। कोलाइड्स में क्या होता है कि दो इसमें भी मीडियम होते हैं, एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेस होता है सॉल्यूट की फॉर्म में, यानी कि जिसे हमें घोलना है, और डिस्पर्सिंग मीडियम हमारा जो है वो सॉल्वेंट की फॉर्म में हो गया, यानी कि डिस्पर्स जिसको हमें मिक्स करना है वो डिस्पर्स्ड हो गया, और जिसमें मिक्स करना है वो डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया, इससे कोलाइड बनता है। थर्ड हमारा आता है सस्पेंशन के बारे में। अगर हम बात करेंगे तो सस्पेंशन में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, दूसरा मीडियम। सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो है जिसे हमें मिक्स करना है, और मीडियम है जिसमें हम मिक्स करेंगे। जैसे कि सैंड वाटर की बात करेंगे, तो सैंड हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल हो गया, और जो वाटर है वो मीडियम हो गया।
तो ये कुछ टर्म्स थी। सॉल्यूशन की टर्म में सॉलिड और सॉल्वेंट होता है। कोलाइड्स की फॉर्म में बात करेंगे तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। सस्पेंडेड की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा पार्टिकल्स होते हैं और मीडियम होता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो चलिए चलते हैं अपने बैक पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो जिसमें सबसे पहला है एक्वीशियस सॉल्यूशन। तो इसमें अब दो चीज़ें, अब आपको पता है सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो देखिए इसमें जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्ट है और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। सॉल्ट को वाटर के अंदर जब मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं एक्वीशियस सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन एक्वीस सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज़ नॉट अ सॉल्वेंट। इसमें वाटर को हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ नहीं करते। सॉल्वेंट जो है यहाँ पे कोई भी केमिकल होगा, फॉर एग्जांपल कार्बन डिसल्फाइड को हमने एज अ सॉल्वेंट लिया है और इसके अंदर हमने सल्फर को मिक्स किया है। तो जहाँ पे वाटर को हम मिक्सचर के फॉर्म में यूज़ सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं तो वो होता है हमारा नॉन एक्वीशियस सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कम्प्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो, जिसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में अच्छे से मिक्स हो जाए और कुछ भी विजिबल ना हो, जैसे कि शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, इसे हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। फिर है नेक्स्ट है जिसका नाम है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। मतलब मान लो कि हमें शुगर को वाटर में मिक्स करना है, हमारा जो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है, मतलब जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर हम कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाया घटा नहीं रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर है। हम जब शुगर को वाटर में मिक्स करेंगे तो आप मान लीजिए कि हम और शुगर उसमें मिक्स करना चाहते हैं बट अब उसमें और शुगर मिक्स नहीं हो रहा है, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड, जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। मतलब अब और ज़्यादा सॉल्यूट हम उस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं कर सकते, मतलब पानी के अंदर चीनी ने घुलना बंद कर दिया है, तो वो होता है सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड। नेक्स्ट है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। अब मान लीजिए हम वाटर में चीनी मिक्स कर रहे हैं, चीनी और मिक्स कर रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं, चीनी मिक्स होती जा रही है, तो वो है अनसैचुरेटेड। तब जब तक वाटर के अंदर आपका सॉल्यूट जैसे कि चीनी घुलती जा रही है तब तक वो अनसैचुरेटेड है, और जब चीनी उसमें घुलना बंद कर दे तो वो अनसैचुरेटेड हो जाए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के टाइप्स थे। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो सॉल्यूशन है वो डिल्यूट भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है। अब डिल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं तो उसके अमाउंट से पता चलता है कि वो डिल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे कि हम वाटर में चीनी मिक्स करते हैं तो चीनी कम मिक्स हो रही है, वाटर ज़्यादा है, चीनी की मात्रा कम है और वाटर ज़्यादा है, तो वो हमारा होगा डिल्यूट। बट वहीं चीनी ज़्यादा है और वाटर कम है तो वो हमारा होगा कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, सॉल्यूट कितना है किसी भी सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में, उसी से पता चलता है कि वो डिल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड। सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉल्यूट कम है तो वो डिल्यूट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं कुछ कोलाइड्स हैं, इम्पॉर्टेंट कोलाइड्स के बारे में जो हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। हमें पता है कोलाइड क्या है, कोलाइड जो है जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज तो होते हैं बट इतने लार्ज नहीं होते कि हम उसको नेक्ड आइज से वॉच कर सकें। ठीक है, जब भी हम
इस टाइप का सोल्यूशन देखते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे सोल्यूशन आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कोलाइड होते हैं और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कोलाइड के पार्टिकल्स जो है, कोलाइड मिक्सचर है और मिक्सचर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल, अलग अलग टाइप के पार्टिकल होते हैं, वो मिक्स होते हैं और वो हमें दिखते नहीं हैं, सेपरेट नहीं होते, बट उसके पार्टिकल का साइज़ सॉल्यूशन से बड़ा होता है। तो आज हम कुछ पार्टिकल्स के, कुछ कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान चुके हैं, अब हमें पता है डिस्पर्स्ड फेस क्या है, डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है। डिस्पर्स्ड फेस है कि जो हम मिक्सिंग कर रहे हैं वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, और डिस्पर्स मीडियम है कि हम जो मिक्स कर रहे हैं वो सॉलिड के अंदर मिक्स कर रहे हैं, वो लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर, यानी कि जो जिसके अंदर हमें मिक्स करना है। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन की बात के फॉर्म में बात करें तो जैसे वाटर, वाटर है, ऐसे यहाँ पे जो जिसमें हमें मिक्स करना है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहला है हमारा डिस्पर्स्ड फेस है सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम भी है सॉलिड, यानी कि जिसको मिक्स करना है वो भी सॉलिड है और जिसमें मिक्स करना है वो भी सॉलिड है। तो इन दोनों के मिक्सचर से जो हमें कोलाइड मिलेगा वो भी सॉलिड मिलेगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कौन सा है, सम कलर्ड ग्लासेस एंड जैम स्टोन्स। आपने जैम स्टोन्स देखे होंगे, अलग अलग कलर के स्टोन्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें मिक्सचर होता है, तो उसमें जो हमने मिक्स किया है वो भी सॉलिड है, यानी कि डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड है। तो दो सॉलिड को मिक्स करके हमने एक कोलाइड बनाया। और कोलाइड क्यों है, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स ही बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन से। तो दो सॉलिड को मिक्स करके हमने सॉलिड का कोलाइड बनाया, और इसका एग्जांपल हमारे सामने स्टोन्स है, कलर्ड ग्लासेस है, अलग अलग कलर के ग्लासेस को मिक्स करके थर्ड टाइप ऑफ ग्लास बनाते हैं। फिर हमारे पास है कि हमें जिसे मिक्स करना है वो तो सॉलिड है, बट जिसमें मिक्स कर रहे हैं वो लिक्विड है, ठीक है। तो इससे जो कोलाइड का टाइप प्रिपेयर होगा वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, ये सॉलिड था और ये लिक्विड की फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, पेंट। आप अपने घरों में जो पेंट करते हैं ना, जो वाइट वॉश वगैरह करते हैं और जो विंडोज़ वगैरह में करते हैं, वो जो पेंट होता है वो पेंट भी एक कोलाइड है। और किस टाइप का कोलाइड है, लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार किया गया, कलर पार्टिकल्स को लिक्विड में मिक्स करके, ठीक है। थर्ड टाइप है हमारे पास सॉलिड गैस, यानी कि जो मिक्स करना है वो तो सॉलिड है और जिसमें मिक्स करना है वो गैस है, यानी कि हमें कुछ पार्टिकल्स को गैस के अंदर मिक्स करना है, और इससे जो प्रिपेयर होता है वो होता है एरोसोल। एरोसोल क्या है, स्मोक एंड डस्ट। हमारे आसपास जो हम डस्ट और स्मोक देखते हैं वो भी एक कोलाइड है, क्यों, क्योंकि कोलाइड के अंदर मिक्सचर होता है अलग अलग पार्टिकल्स का, और डस्ट और स्मोक के अंदर अलग अलग गैसेस का और डस्ट का मिक्सचर होता है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया कोलाइड्स का। फिर हमारे पास आता है लिक्विड एंड सॉलिड। अब जो हमें मिक्स करना है वो लिक्विड है और जिसमें मिक्स करेंगे वो सॉलिड है। लिक्विड को मिक्स करना है सॉलिड के अंदर, यानी मीडियम सॉलिड है, तो इससे जो प्रिपेयर होकर आएगा कोलाइड वो जेल की फॉर्म में आएगा। और जेल का एग्जांपल हमारे पास जेलीज होती हैं, चीज़ बटर है, ठीक है। ये जो एग्जांपल है हमारे पास, जब हम लिक्विड को मिक्स करते हैं सॉलिड के अंदर तो जेल प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड है डिस्पर्स्ड फेस, और लिक्विड को लिक्विड में ही हम मिक्स कर रहे हैं, तो इससे जो प्रिपेयर होगा वो प्रिपेयर होगा इमल्शन। जो हेयर क्रीम होती है, जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, दूध जो है एक इमल्शन है, क्योंकि इसमें मिक्सचर होता है लिक्विड और लिक्विड का, हेयर क्रीम भी है। तो ये एग्जांपल भी कोलाइड्स के हैं। देखो, ये सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट हमें पहले नहीं पता था कि कोलाइड्स हैं, और कोलाइड्स हैं तो किस टाइप के कोलाइड्स हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस है और गैस के अंदर हमें उसे मिक्स करना है, तो इससे भी जो तैयार होगा वो एरोसोल तैयार होगा। जब भी हम सॉलिड को गैस में या लिक्विड को गैस में मिक्स करते हैं, गैस में जब भी हम मिक्स करेंगे सॉलिड या लिक्विड, तो हमारे पास एरोसोल आएगा। अब इस एरोसोल का एग्जांपल है फॉग, स्प्रे, इंसेक्टिसाइड, जितने भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे होते हैं, जो ये फॉग होती है, जो क्लाउड होते हैं, वो एक्चुअली में क्या है, कोलाइड है, जिसको हम एरोसोल बोलते हैं, और उसमें मिक्सचर किसका होता है, लिक्विड और गैस का। एनवायरनमेंट की गैस में
वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स होते हैं तो फॉग बनता है, क्लाउड्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस है डिस्पर्स्ड फेस, और डिस्पर्स मीडियम जो है वो सॉलिड है। अब गैस को सॉलिड के अंदर मिक्स करना है, तो इससे जो प्रिपेयर होके आएगा कोलाइड वो भी सॉलिड सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सॉलिड है तो अब आप देखेंगे जो रबर होती है, जो फॉर्म होता है, जो शेविंग फॉर्म वगैरह होती है, वो जो क्या है वो आपका सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन है जो गैस को सॉलिड के अंदर मिक्स करने से प्रिपेयर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स करेंगे तो भी हमारा फॉर्म प्रिपेयर होगा। और इस फॉर्म का एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम जब अपने घरों में साबुन यूज़ करते हैं, सर्फ यूज़ करते हैं, तो जब हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो उसका जो झाग बनता है उसे फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे प्रिपेयर हुआ, आपने लिक्विड के अंदर जब उसको मिक्स किया तो जो एनवायरनमेंट की गैस है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाती है, तो गैस ने लिक्विड के अंदर मिक्स होकर फॉर्म तैयार कर दिया। व्हिप्ड क्रीम होती है जो अपने घरों में मक्खन निकालते हैं, वो भी इसी का एग्जांपल होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कोलाइड्स थे जिसमें अलग अलग फेस है और अलग मीडियम है और अलग टाइप्स ऑफ कोलाइड बन रहा है उनसे, और ये हम अपने डेली रूटीन में अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट कोलाइड्स हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे फॉर्म, फिर आप मिल्क देख रहे हैं, ये फॉग है, ये एरोजेल है, ब्लड है, ब्लड भी हमारा एक कोलाइड है। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो है हमारे पास जो अलग अलग पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, रेड रेड और वाइट ब्लड सेल वगैरह जो होती है, तो ये भी एक कोलाइड ही है जिसको हम टेस्टिंग वगैरह में हम सेपरेट कर पाते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं इसीलिए ब्लड के अंदर से इन पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है, तो ये भी एक कोलाइड का एग्जाम्पल है। पेंट, पेंट भी कोलाइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कवर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फिर हम उस टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much.